that button. मजा आया। Next morning. तो गाइस आज हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कार में से, तो मेरे साथ मम्मी भी हैं और करण और डैडी आगे बैठे हैं। तो गाइस आज हमारे कार में बैठने का रीजन ये है कि वो हमारे लिए भी एक सरप्राइज है, ठीक है। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से रेडी होके। लकीली आज मेरे मम्मी और डैडी दोनों का ही बर्थडे है, एक ही दिन का आता दोनों का, ठीक है। तो फिर अब आज क्या करा, डैडी ने आज ऑफिस से ऑफ ले लिया। उन्होंने हमें बोला कि तुम लोग रेडी हो जाओ, ठीक है, और कहीं चलते हैं बाहर। अब बाहर कहाँ वो हमें भी नहीं पता, वो हमारे लिए भी सरप्राइज है और आप लोगों के लिए भी। तो अब बस हम लोग रेडी वगैरह होके निकल गए हैं। अब देखो डैडी कहाँ लेके जाते हैं। मम्मी आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, मैं भी, मेरे लिए भी सरप्राइज ही है। और करण और डैडी आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये रहा करण, आगे बैठा है। करण हेलो, पीछे ले लो अपनी सीट, है ना, तब ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, चकाचको। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों को छवि दीदी ने बताया कि हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम कहीं जा रहे हैं, जगह हमें बिल्कुल मालूम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जा रहे हैं। वैसे पता है क्या, अब जब ये नहीं पता होता ना कि कहीं कहाँ जा रहे हैं, तब ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, तब राइड भी इंजॉय करते हैं और फिर जहाँ जाना है वहाँ का एक्साइटमेंट भी रहता है। गाइज लास्ट टाइम जब हम लोग अपनी नानी के घर गए थे, आप लोगों ने देखा था ना, मम्मी का मैंने आगे बिठा दिया था, आज मैं आगे बैठूंगा। आज इसमें मम्मी का पीछे बिठा दिया, हिसाब बराबर कर देता है ये बिल्कुल। तो गाइज डैडी हमको लेकर गए थे कपिल अंकल के यहाँ, हु इज वन ऑफ माई डैडीज फ्रेंड। तो हमें तो कपिल अंकल के यहाँ जाके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अंकल आंटी मीठी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने डैडी को बोला कि आपने तो हमें बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया, बट डैडी ने बोला ये तो पहला सरप्राइज था, सेकेंड सरप्राइज अभी बाकी है। और ये जानने के बाद तो हमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि आज ऐसा क्या सरप्राइज हमें मिलने वाला है। तो चलो आगे देखते हैं कि हमारा सरप्राइज क्या था। तो हम सब लोग आए हैं कपिल अंकल का एक और बार, फिर से सेकंड टाइम है ना। तो मम्मी हमारा पहला सरप्राइज तो ये था कि हम कपिल अंकल के आए हैं। ये तो सबसे अच्छा सरप्राइज है। बात नहीं करनी अभी, बात करोगे बाद में। मीटी ने देखो मेरी सैंडल्स पहन ली, चल पा रहे हो आप इनमें? अच्छी लग रही है आपको ये? आपको अच्छी लग रही है ये? दिखाओ अपनी सैंडल दिखाओ। मीठी के दूसरे शूज हो गए, अब नंगे पैर। अच्छा हेलो बोलो एक बार, ऐसे बोलो इधर, हेलो हेलो बोलो। पीछे जा, आगे बैठा के बैठ एक बार। नहीं बच्चा, बच्चों को गुस्सा हो गई मीठी, एक्साइटेड हो जाता है ना। मीठी क्या था, उसकी तो सीट है मेरी गाड़ी में, ये तो अच्छा है। और ये इसमें बहुत कंफर्टेबल रहती है, वो उसके हिसाब की सही जगह है ये। मीटू गुस्सा हो गया क्या? उसको अलग अकेले एंजॉय करना है, पीछे पूरा व्यू लेगी वो।
तो गाइस अब अंकल गए हैं हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। तो गाइस अब ढाबों की लाइन स्टार्ट हो चुकी है। पहला है पहलवान ढाबा, दूसरा है गुलशन, नेक्स्ट है गुलशन ढाबा, तीसरा है मन्नत, तीसरा है मन्नत ढाबा। तो अब हम आ चुके हैं मुरथल में। ये है झिलमिल जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी लाइटिंग हो रखी है। तो ये है धर्म जी का अपना ढाबा गरम धर्म। तो गाइस ये था आज का हमारा सरप्राइज। तो डैडी आज में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लेके आए हैं मन्नत हवेली। ये मन्नत हवेली आज हम यहाँ घूमने आए हैं मम्मी और डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं। हमारे साथ अंकल और आंटी भी हैं। मीठी मीठी को आगे जाना है। चलो करें, कैसा लगा डैडी का सरप्राइज? बहुत अच्छा। पता नहीं हम देख सकते कितनी बार घूम लिया। आज हम आए मन्नत हवेली कुछ डिफरेंट जगह पे जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। गुस्से में मिली है ग्रीनरी। तो चलो गाइस अब अंदर चलते हैं। देखो यहाँ पे कई सारी चीजें ट्राई करने के लिए। सो गाइस दिस इज मन्नत हवेली, लुक्स रियली नाइस। यहाँ पे खाट लगी हुई है बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में। तो चलो बंदे चलते हैं। चलो मम्मी आपको डैडी का सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गाइस। मम्मी के फेस पे एक्साइटमेंट। मैंने क्या बोलना है? आपने तो बोलना है क्योंकि आप ही लेके आए हो। अरे आप बोलो ना, मैंने क्या बोलना है? अंकल आप बोलो। हैप्पी बर्थडे बोलो ना। हैप्पी बर्थडे बोलो। क्योंकि ये सही है, खुद बोल रहे हैं तो गाइस ये है मन्नत हवेली की ग्रैंड ग्रैंड बिग थाली। कैसे लग रहे डैडी? हैं थाली अभी हमें खाली खाली प्लेट्स मिली। अभी हमें खाना कब आएगा? रुको जरा सबर करो। सो गाइस ये खाली प्लेट अब नहीं बची, अब यहाँ खाना आ चुका है। नहीं, ये देखिए बच्चों से काम करवा रहे हैं, आज हम पैदा हुए हैं। सो यहाँ पे हमारा सारा खाना आ चुका है। मम्मी और आंटी दोनों सर्व करें खाना हमारे जाइंट जाइंट प्लेट्स में। तो चलो अब हम भी खाना स्टार्ट करते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आप लोगों को देख देख के मैं भी खाना स्टार्ट कर रही हूँ। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है। फीडबैक दे रही है मन्नत हवेली का। डैडी कैसे लगा आपको? अच्छा ना? डन आंटी, कैसा था आपका फीडबैक? कैसा रहा मम्मी आपका बर्थडे सेलिब्रेशन? बहुत अच्छा था।
होगा। थोड़ा जोर से बोलो, गाने बज रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा ना, इतना हल्ला मच रहा तो मेरी आवाज नहीं आ रही। आप यहाँ पे हम आए हैं खाने के लिए, बहुत मस्त था। हम सब हाँ, सब कुछ साफ है। मजा आया। ओ बाप रे, कितना गहरा वेल है। खाना पीना हो गया, आराम फरमाएंगे। तो गाइस यहाँ पे फोटोज क्लिक हो रही हैं। सच में गाइस, मन्नत हवेली इज रियली रियली नाइस, बहुत सुंदर है। हमें यहाँ की सर्विस, खाना सब बहुत पसंद आया। जैसा आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक फेक वेल भी है, हमने जाके देखा, उसमें कुछ भी नहीं था, छोटा सा ही था। एंड एक यहाँ पे एक कार भी है, बहुत क्यूट सी। हमारी आंटी यहीं पे ही है। बर्थडे का सेलिब्रेशन स्पॉट, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा। सो गाइस, ये है यहाँ का किड जोन। धीरे धीरे आ रही है। तो गाइस, जैसे हमने आपको बताया, यहाँ हम आए थे मम्मी और डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो एक बार फिर से मम्मी और डैडी को मेरे तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोइंसिडेंटली दोनों का बर्थडे सेम डे पे आता है, तो हमें सेलिब्रेशन करने का और अच्छा मौका मिल जाता है। तो जैसे हमने आपको अभी दिखाया है मन्नत हवेली, हमें बहुत पसंद आया है कि उनको बोला जाए फैसिलिटी, फूड सब कुछ बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। अब हम यहाँ पे फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। जैसे आपको दिख सकता है कितनी बड़ी तोप है, एक इतना बड़ा स्कूटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अब हम देखते हैं और क्या क्या नई नई चीज़ें देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी मैंने आपको सारी शॉप्स भी दिखाई थी, तो यहाँ पे मोस्टली आपको सारी मिट्टी की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मिट्टी की कढ़ाई वगैरह है और कप्स हैं और भी चीज़ें, पिकी बैंस वगैरह। तो देखते हैं, हमें कुछ पसंद आएगा तो हम वो भी ले लेंगे। बाकी जगह इज ऑसम, एक नंबर। और डैडी का सरप्राइज बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू करा दो। जा मर्जी लेते लो साहब, चलो आइए। मेरे ड्राइव करना आता नहीं, तो इसलिए तरी जाते हैं। नहीं नहीं आती है, ले चलिए। अरे चल रही है ये तो, अरे चल रही है ये तो साहब, चल रही है। हाँ चलो, बस इतना ही चलाऊंगा। आपको बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म, बहुत मजा आया, पर दोबारा आएंगे। और हम लोगों को तो आंटी के साथ आके और ज्यादा मजा आया। बाय।
हम बच्चों का जन्मदिन ठीक है यू कैसे थैंक यू सो मच ऐसे बड़े बड़े बच्चे हैं।